अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप ये मेरे शेड जो है चेक कर रहे हैं, दिस शेड जो है ये मैंने फ्रंट पे किया था, इस पर रेविलॉन 51 और बैक पे मेरे है 50। ठीक है, इसके रिजल्ट्स आपके सामने हैं। तो अब मैं क्लिनिक का एक हेयर डाई लाई हूँ, तो वो मैं आपको बताऊँगी कि देखते हैं इसके ऊपर एप्लीकेशन के बाद क्या रिजल्ट्स आते हैं। लेट्स वॉच इट। जी तो अब जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, जो मैंने अपने हेयर्स के लिए सेलेक्ट किया था, ये है डार्क मोचा ब्लॉन्ड कलर। ठीक है, ये है 6.03 कलर। एक इसमें 6.3 भी अवेलेबल था, लेकिन मैंने लिया है 6.03 शेड। ठीक है, बड़ा अच्छा सा कलर है। और मुझे एक इशू है ग्रे हेयर्स का, जिसकी वजह से मुझे ये ज़रूर थोड़ा सा डार्क टोन में लेना पड़ता है, ताकि मेरे ग्रे हेयर्स भी अच्छे से कवर हो जाएं। और ये मतलब बहुत ओवर लुक भी नहीं दे रहा था, तो मैंने 2-3 जगह अलफते से ये दिखा के बड़ा मशवरा ले कि मैंने ये वाला बाय किया है। सो मेरा हमेशा 20 वॉल्यूम के साथ सेम शेड नहीं आता था, और कभी शेड नहीं भी आता था, क्योंकि मेरे बाल ज़रा हार्ड हैं, तो हार्ड जिनके बाल हैं उनमें ज़रा 20 कम वर्क करता है, कईयों में 30 वर्क करता है, कईयों में 40। तो इन सब में जैसे भी आप 30-40 तक जाते जाएं, और इसमें जो केमिकल है वो आपकी परसेंटेज बढ़ती चली जाएगी। और ये 30 वॉल्यूम में 9% होता है हाइड्रो, मतलब जो बालों को डाई करने वाला केमिकल है बहुत हैवी, वो 9% है। ठीक है, मतलब ये अब मैं जा रही हूँ ट्राई करने। आपने मेरे पहले भी हेयर्स देख लिए हैं, क्योंकि मैंने अप्लाई किया था 50 और 51 रेविलॉन पहले, बिफोर, जो आपको मैं डे लाइट में दिखा चुकी हूँ। अब एक्चुअली ये है चांस पे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड, देखते हैं इसके क्या रिज़ल्ट और क्या कलर मेरे हेयर्स में आता है। तो जब हम घर में कोई काम करते हैं तो वो चांस पे ही होता है, क्योंकि हम प्रोफेशनल तो होते नहीं हैं, हम इन्हीं के मशवरे से ले लेते हैं और फिर ये कर करके जो है वो एक्सपेरिमेंट्स कर करके ही लेसन्स मिलते हैं, और उससे ही हम लर्न करते हैं। सो एक बात मैं बता दूं, पीछे से मैं स्टार्ट करूंगी लगाना, क्योंकि 30 वॉल्यूम बहुत ज़्यादा जो आगे हेयर्स हैं रूट के, वो जल्दी उसको डाई कर देता है 30 वॉल्यूम, तो वो डार्क हो जाते हैं, पिछले वाले लाइट रह जाते हैं। सो हमने पीछे से डाई लगाना शुरू करना है और एंड पे रूट्स में लगाना है, और इसके बाद आपने 10 मिनट्स लाइट्स अपनी आईब्रोज पे देना है, यही शेड 10 मिनट्स के बाद जो मैं रिमूव कर दूँगी। ठीक है, तो चलें इसको अब स्टार्ट करते हैं और अपना जो है ये दोनों मिक्स करते हैं, ट्यूब भी और ये भी। इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है कि इसमें कोई लम्स ना रहे। ठीक है, और मिक्स करते ही हमने अप्लाई करना शुरू कर देना है, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी कलर शेड चेंज होना शुरू हो जाता है। सो इसको टाइम पे लगा लेना ही बेहतर है। ठीक है, ये अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। जी ये रेडी टू अप्लाई।
तो ये मैंने जो है डाई लगा लिया है, आप इसका शेड बल्ब लाइट में देख सकते हैं। और साथ में मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि मैंने थोड़ा सा अपनी आईब्रो पे दिया है, इस पर मैं 10 मिनट्स के बाद इसको रिमूव कर दूँगी आईब्रो वाला, ताकि मैचिंग शैचिंग हो जाए हेड हेयर्स के साथ। और इसको मैं 40 to 45 मिनट्स दूँगी, उसके बाद मैं इसको वॉश करूँगी, फिर देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। जी 40 मिनट्स के बाद उसका कलर बिल्कुल जो एक गोल्डन सा आ रहा था वो बिल्कुल चेंज हो गया है, ठीक है। एंड मैंने इसको स्प्रे करके और अच्छे से मसाज कर दी है अपने हेयर्स की, ताकि कोई हेयर्स रह गए हों तो उस पर दोबारा अप्लाई हो जाए। ये आप वाटर शावर जो है ये ले लें, जो हर घर में मौजूद होता है, तो आप इसी के साथ जो है वो अपने सारे बालों पे शावर करके आपने मसाज देनी है, ताकि जो रह चुके हैं उस पर दोबारा अच्छे से एक एक बाल पे अप्लाई हो जाए, ठीक है। तो अब मैं आप अपना शेड जो है वो वॉश करूँगी आफ्टर 10 मिनट्स, एंड फिर आपको डे लाइट में दिखाऊँगी। जी तो ये मैं डे लाइट में आई हूँ, ठीक है। तो मेरी पहली एप्लीकेशंस के बाद ये 30 वॉल्यूम के साथ ये शेड आया है, ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक वैसा आ गया। लेकिन मुझे इसकी एक चीज़ पसंद नहीं आई, जब मैं अंदर जाती हूँ मेरे बिल्कुल ब्लैकिश टोन में लगते हैं, ज़रा इस तरह की लुक नहीं आती है, बाहर आऊँ तो इस तरह की लुक आती है। अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा सनशाइन में, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ कि सनशाइन में जो है वो मेरे बालों का क्या रिज़ल्ट आया है। ये देखिए, अभी मैंने रेवलॉन की डिफरेंट शेड्स की एप्लीकेशंस ऑलरेडी ऊपर की हुई थी, ये देखिए, ठीक है। तो ये है शेड, ठीक है, 30 वॉल्यूम के साथ। और मुझे थोड़ा सा इस तरह का शेड चाहिए था जो कि अंदर इनडोर भी जो है वो थोड़ा डार्क टून लाइट टून में गोल्डिश नज़र आए, लेकिन अंदर इनडोर में मेरा सारा जो है वो ब्लैक टून नज़र आती है। सो या